हेलो गाइस, दिस इज राज अंकुश, जी जी एफ आर रैंक 3। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक मसल बिल्डिंग प्रोग्राम लेकर के आया हूँ जिसे आप होम पे कर सकते हैं। बेसिकली इसमें आपको कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे आपकी जो है चेस्ट, बैक, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप्स एंड लेग्स पूरी बॉडी कवर होने वाली है। तो इस वीडियो में क्या है, हम चेस्ट एंड बैक का वर्कआउट करने वाले हैं और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बाइसेप एंड ट्राइसेप्स करेंगे। देन जो हमारी थर्ड वीडियो होगी उसमें हम शोल्डर एंड थाई करेंगे। तो आपको क्या करना है, मंडे आपको चेस्ट एंड बैक कर लेनी है, ट्यूजडे आपको आर्म्स कर लेने और वेडनेसडे आपको शोल्डर एंड थाई कर लेना है। देन उसके बाद आपको यही तीन वीडियोज वापस से रिपीट करनी है एक वीक के अंदर। तो गाइज, आज ही हमारे होने वाला है चेस्ट एंड बैक वर्कआउट। ये गाइज बेसिकली नो इक्विपमेंट वर्कआउट होगा, इसे आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। तो इसमें जो हम कवर करने वाले हैं, फर्स्ट हमें चेस्ट की 4 एक्सरसाइज कवर करनी है, देन हमें बैक की 4 एक्सरसाइज कवर करनी है। तो इसमें क्या है, आपको ज़्यादा ज़्यादा अगर रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो आप अपने घर में किसी बेंच का या चेयर का या किसी बेड का यूज़ कर सकते हैं ताकि आप जो है अलग अलग एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग उनके पोस्चर में आ सकें। और बेसिकली गाइज, हमारी जो चेस्ट का वर्कआउट रहता है जब हम जिम में जाते हैं तो हमारे 3 मेजर एक्सरसाइज होती हैं। वो तो हमारी 3 टाइप की बेंच, एक होती है हमारी फ्लैट बेंच, एक होती है हमारी इंक्लाइन और एक होती है हमारी डिक्लाइन। तो उस वो जो होते हैं वो हमारे ओपन चेन मूवमेंट्स होते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग जो एक्सरसाइज कवर करेंगे वो उन्हीं की क्लोज चेन वर्जन होंगे। तो वैसे जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी वो होगी हमारी फ्लैट बेंच का क्लोज चेन मूवमेंट, जो कि होंगे हमारे नॉर्मल पुशअप्स। तो इसमें आपको क्या करना है, अपने शोल्डर से हल्का सा वाइड ग्रिप लेनी है और जो आपके पैर का स्ट्रेंथ होगा वो हिप वाइड स्ट्रेंथ होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा फैला लेते हैं और कुछ बिल्कुल चिपका के रखते हैं। तो कुछ नहीं, आपको बस हिप वाइड पैरों का स्ट्रेंथ ले लेना है और शोल्डर से हल्का सा वाइड हाथों का स्ट्रेंथ। तो गाइस, एक चीज़ का आपको इसमें ख्याल रखना है, क्योंकि हम विदाउट इक्विपमेंट यानी वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको बॉडी पे ज़्यादा ज़्यादा प्रेशर बनाने के लिए जब आप नेगेटिव फेस में जाएंगे तो आपको अपने मूवमेंट को कंट्रोल करना है और आराम से नीचे जाना है। और वहीं जब हम पुश करेंगे, फोर्स लगाएंगे ग्रेविटी के अपोजिट पॉजिटिव फेस में, तो आपको फोर्स लगाना है ताकि आप ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन के साथ अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। मैंने तो आगे जो है चेस्ट का वर्कआउट होगा, इसमें आपको कम से कम 3 से 4 सेट लेना हर एक्सरसाइज के और 15 से 20 रेप्स ईच सेट आपको निकालने हैं। अभी जो हमने ये स्टैंडर्ड पुशअप्स किए, ये क्या होता है, आपकी जो चेस्ट होती है जिसे हम पेक्टोरल्स मेजर कहते हैं, ये आपके पूरी चेस्ट को कवर करती है। प्लस मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगा, आप चाहे कोई से भी पुशअप मार लो, जब आपकी जो एल्बो होती है वो बॉडी के साथ होकर के अंदर जाती है तो आपकी ट्राइसेप्स पे ज़्यादा इफेक्ट आता है। और जब आप अपने एल्बोज को हल्के से बाहर की तरफ लेते हैं और तब पुशअप मारते हैं तो आपकी चेस्ट पे ज़्यादा इफेक्ट आता है। बाकी मैं अपनी तरफ से यही प्रेफर करूँगा कि आप जो अपनी एल्बो को उसे बॉडी के क्लोज रखें। तो गाइस, अब क्या करना है, हमें इंक्लाइन के जो हमारा क्लोज चेन वर्जन होगा वो करना है। तो इसके लिए आपको या तो एक बेंच चाहिए होगी या फिर आप एक चेयर यूज़ कर सकते हैं या फिर बेसिकली सबके घर में बेड होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करने वाले, जो हमारा बेंच रहेगी या आपके पास जो भी है उस पर आपको पैर रखने हैं ऊपर और ज़मीन पर आपको पुशअप मारने, और जो हमारे हाथों का ग्रिप रहेगा वो हमारा नॉर्मल पुशअप ग्रिप होगा। पुशअप के इंक्लाइन के क्लोज चेन वर्जन, ये आपका जो क्लेविकुलर हेड होता है चेस्ट का उससे ज़्यादा टारगेट करता है। तो अगर किसी लोगों को, कुछ लोगों की यहाँ की हड्डी ज़्यादा दिखते हैं तो मैं उन्हें प्रेफर करूँगा कि आप इसके कम से कम 5 से 6 सेट मारें एवरी डे। तो गाइस, अब जो है वो होगी हमारी डिक्लाइन की क्लोज चेन वर्जन। तो इसमें आपको क्या करना है, जो आपका बेड है या चेयर है आपको सेम वही चीज़ यूज़ करनी है,
बट अगर आपके पास थोड़ा कम हाइट का हो तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी आपके पास जो है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना, अब क्या हमारे पैर जो हैं वो ज़मीन पर रहेंगे और जो हमारे बेंच रहेगी उस पर हमें हाथ रख करके सब पुश अप मारने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो चेस्ट का कर्व होता है वो ज़्यादा अच्छा है तो फिर आप कोशिश करें कि आप इसके कम से कम 6 सेट मारें। Lands through the highways till my shadow turns to sun rays and on and on we'll go through the wastelands through the highways and on. जो अभी हमने पुशअप्स के लिए डिक्लाइन का क्लोज चेन वर्जन, तो ये क्या होता है, आपका जो स्टर्नम हेड होता है आपके पैक्विस में यानी चेस्ट का, उसको ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो लाइक कुछ लोगों के हाथ से जो चेस्ट होती है वो अंदर की साइड पे जारी होती है, तो अगर आप चाहते हैं आपके चेस्ट में पूरा कर्व शेप आए तो फिर आप ये पुशअप के कम से कम 5 से 6 सेट मारें एवरी डे। I'm to see the horizon turn us to thousands and we'll grow in number fueled by I'm to see the horizon turn us to thousands and on we'll go through the wastelands through the highways till my shadow turns to sun rays and तो गाइस बैग में हमारी 4 एक्सरसाइज होने वाली हैं और जो हमारे बैग होते हैं उसमें हम 3 मसल्स टारगेट करने वाले हैं। फर्स्ट हमारे रेटिनल डॉर्सिस जो कि आपकी ये वाली मसल होती है जिससे कि आपका बैग का एक वाइड शेप आता है जिसे हम कोबरा शेप भी कहते हैं, और दूसरा हमारा जो है ट्रेपीजियम्स जो आपके बैग के मिड में और अपर में होते हैं, और जो हमारी तीसरी मसल है वो हमारी इरेक्टर स्पाइनी। रेक्टर स्पाइन बेसिकली आपके एक शो होने वाली मसल नहीं है क्योंकि वो एक डीप मसल होती है, बट आज जो हम इंसान अपने दो पैरों पे खड़े हैं वो उसी मसल की वजह से खड़े हैं, और अगर आपकी वो मसल ज़्यादा स्ट्रांग है तो आपकी बैक की स्ट्रेंथ भी उससे बढ़ेगी। तो वैसे बैक के एक्सरसाइज में आपको ईच सेट 10 से 20 रेप्स लेने हैं। तो वैसे जो बैक की हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है वो होने वाली हमारी चिनअप। तो अगर आपके घर में कोई वॉल हो या पर्दे टांगने वाली जैसे कोई रॉड हो, भारी रॉड जो टूटे ना, तो आप उस पर चिनअप्स मार सकते हैं। तो चिनअप्स क्या होते हैं, वो बेसिकली हमारी लैटिसिमस डॉर्सिस यानी कि जो बैक की हमारी वाइड मसल होती है उसके लिए होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वो वाइड मसल ज़्यादा है तो आप इसके कम से कम 4 से 6 सेट मारें, और वहीं अगर आपकी ये चीज़ अच्छी है और आप चाहते हैं कि जो आपकी ट्रैप्स हैं वो अच्छे हैं तो जो मैं आगे एक्सरसाइज बताने वाला हूँ उनके आप 5 से 6 सेट करें। इस एक्सरसाइज में आपकी जो ट्रैप्स रहते हैं उन पर ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बैक की कटिंग होती है वो अच्छी है तो फिर आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना है, और प्लस आपको इसमें अपने लेग्स को ज़्यादा नहीं उठाना, कोशिश करें कम से कम उठाने की, और जो आपके हाथ रहेंगे और आपकी अपर बॉडी रहेगी उसे आपको उठाना है। तो ये जो ये वाली एक्सरसाइज थी ये भी आपके लिए ट्रैप्स के लिए है, ठीक है।
इसमें आप चाहे तो आप कोई वेट यूज़ कर सकते हैं या फिर आप वाटर बॉटल्स यूज़ कर सकते हैं इसके थोड़ा और डिफिकल्ट करने के लिए, और अगर आप इसे थोड़ा सा लाइट वेट पुट ऑन करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। गाइज ये था हमारा चेस्ट और बैक का होम वर्कआउट, उम्मीद है आप सबको पसंद आया हो। और गाइज अगर पसंद आया तो शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी बताओ, उनकी भी थोड़ी बॉडी बनवाओ।